बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वनडे मैच रद्द हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वनडे मैच रद्द हो गया। टॉस के आधे घंटे पहले ये मैच रद्द हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है, खेल जगत से जुड़ी। न्यूजीलैंड की टीम का मैच खेलने से इनकार, तो न्यूजीलैंड की टीम ने मैच खेलने से इनकार किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुरक्षा के चलते मैच खेलने से मना किया है। तो सुरक्षा कारण रहे, न्यूजीलैंड की टीम ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की समय छवि पूरी दुनिया के सामने है और पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ भी माना जाता है, अब उसका असर देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच अब रद्द हो चुका है और मेरे सहयोगी कमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, समझना चाहेंगे, देखिए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जहां आतंकवाद और सुरक्षा पहलुओं से कई चीजों को इनकार करता रहता है, उसे पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका कह लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा झटका कह लीजिए। जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब बाकी टीमें भी सोचेंगी, विचार करेंगे कि क्या पाकिस्तान में कोई भी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। अब देखिए न्यूजीलैंड ने यह निर्णय लिया है, बहुत बड़ा फैसला है। कोई भी टीम अगर किसी विदेशी धरती पर जाकर यह फैसला लेती है, वो भी मैच के कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही पल पहले, कुछ ही मिनट पहले, तो इसमें जाहिर होता है कि एक बड़ी चिंता उनको अपनी सुरक्षा को लेकर है। और इससे यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान अभी भी सेफ नहीं है विदेशी टीमों को लेकर। आपको याद होगा कभी श्रीलंका के खिलाड़ियों पर जो हमला हुआ था, वो आज तक श्रीलंका कभी भूला नहीं है। वो यादें आज भी कड़वी ताजा हो जाती है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। और ये जो वादे किए जाते हैं कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ ठीक है, ये खोखले तब होते हैं जब न्यूजीलैंड की टीम और उनकी जो सुरक्षा एजेंसी है वो कहती है। और जो यहाँ पर सफाई आई है उसमें कह सकते हैं कि ये जो सफाई है वो एक तरफा कह लीजिए। ये कहा गया है कि हमारे यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक तरफा ऐसा कर दिया है, एक तरफा श्रीलंका को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ये पीसीबी का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि एक तो एक तरफा फैसला है, ये तो ठीक नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने आने वाली सभी टीमों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ये जो हम बता रहे हैं, ये सब जो बयान है पीसीबी के, जो हम दिखा भी रहे हैं ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट के, यानी कि पीसीबी का ये ट्वीट है, ये भी कहा गया है कि हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को इसका आश्वासन दिया है। और जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और कहा भी है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया प्रणालियां हैं, ये तो सबसे बड़ा मजाक किया गया है। और आने वाली टीम के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा खतरा मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड टीम के साथ सुरक्षा अधिकारी यहां ठहरने के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट हैं, ये भी कहा गया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, जहां एक सिर्फ मैच की बात है तो वहीं अब इमरान खान बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से। इससे जाहिर होता है कि बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की कि कोई टीम न्यूजीलैंड की वहां पर आती है और आधे घंटे पहले, टॉस से पहले कहती है कि हम यहां पर मैच नहीं खेलना चाहते क्योंकि आपकी सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, हमें डर लग रहा है आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि हमारी जान खतरे में ना पड़ जाए। तो जैसा कि कहा कि यह सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पाकिस्तान को लगा है। और कमल, देखिए जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो उनकी तरफ से बयान सामने आ रहा है कि फिलहाल मैच स्थगित है और भविष्य में इसे खेला जा सकता है, इसकी कितनी उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है कमल? बस न्यूजीलैंड की टीम अपने देश वापस जाना चाहती है। न्यूजीलैंड टीम के जो सात सुरक्षा अधिकारी थे वो वहां पर ठहरे थे, हालांकि ये जो पीसीबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनका कहना है कि वो तो संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब असल में जो सफाई पेश की जाएगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रशासन की ओर से, बोर्ड की ओर से, वो क्या सफाई पेश की जाती है? आखिरकार ये निर्णय क्या वाकई में सुरक्षा को लेकर किया गया है या कि और कोई बात है? एक स्पष्ट जो औपचारिक तौर पर जवाब आएगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आगे क्या कोई सीरीज होगी, ये सीरीज आगे कंटिन्यू होगी और किसी जगह पर होगी कि नहीं होगी, ये फैसला बाद में लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है ये पूरी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं और ICC है उसके सामने मुद्दा जरूर उठेगा। और ये भी एक जाहिर होता है, जहां पाकिस्तान आज भी सपने देखता है भारत के साथ उसकी सरजमी पर खेलने के लिए, भारत ने पहले भी कह दिया था कि ये जो पाकिस्तान की धरती है ये सेफ नहीं है क्रिकेट के लिहाज से भी और किसी भी लिहाज से, ये साफ हो गया है
कि होटल से सीधे एयरपोर्ट जो न्यूजीलैंड की टीम जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि आप सीधे वो होटल से एयरपोर्ट जाने की सोच रहे हैं। आतंकी हमले की आशंका से न्यूजीलैंड ने सीरीज रद्द की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। और आज ही कहा जा रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस न्यूजीलैंड जा सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या जानकारी आती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम चाहती है कि जितना जल्द हो वो अपने देश वापस लौट जाए। फिलहाल देखिए, रावलपिंडी में ये मैच होना था और शहर में एक उत्पात भी मचा था, क्या इसके पीछे इस वजह को देखा जा सकता है कमल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चुनाव भी काफी नजदीक है पाकिस्तान में, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना कोई बड़ी बात भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो खासकर क्योंकि वहां पर आतंकी हमले कितने होते हैं आप जानते हैं, कितने वहां पर आतंकी संगठन सक्रिय हैं वो भी जानते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जब श्रीलंका टीम पर हमला हुआ था तब भी आतंकी संगठनों ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये हमला करवाया था, उसके बाद संदेश देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद आप जानते हैं कितने सालों तक तो कोई भी टीम वहां पर कदम रखने के लिए सोच भी नहीं रही थी। फिर से श्रीलंका टीम ने हालांकि खुद एक दौरा भी किया था, लेकिन फिर भी एक उस संदेश को पहुंचाने का आतंकी संगठनों ने काम किया था। यहां पर हो सकता है कि न्यूजीलैंड की सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी हो या फिर कुछ आशंका हुई हो, अगर 1-2% भी खिलाड़ियों की जान को खतरा होता ना दीपिका, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, और यही न्यूजीलैंड ने किया है। वो इसलिए अपने स्वदेश वापस लौटना चाहते हैं, न्यूजीलैंड लौटना चाहती है। बिल्कुल कमल, एक बहुत बड़ा तमाचा है ये पाकिस्तान के चेहरे पर, 18 साल बाद पाकिस्तान गई न्यूजीलैंड की टीम और सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ा, मैच रद्द हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूजीलैंड की टीम का मैच खेलने से इनकार, सुरक्षा के चलते मैच खेलने से मना किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, आपको बता दें कि आज यानी कि 17 सितंबर को रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाना था, लेकिन टॉस से कुछ ही समय पहले यह फैसला लिया गया अब मुकाबला नहीं होगा। न्यूजीलैंड सरकार के सुरक्षा अलर्ट के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर रही है।